कटनी को लेकर के जो प्रयोग होता है और उससे संबंधित जो आंकड़े आते हैं उनका राज्य स्तर पर यूज होता है और विभिन्न पॉलिसीज को बनाने में या किसानों को लाभ देने में उन आंकड़ों का सरकार उपयोग करती है, कृषि विभाग उपयोग करता है। तो उसी कड़ी में जिला पदाधिकारी को भी कुछ स्थानों पर जाकर के फसल कटनी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का विभाग का निर्देश है। उसी कड़ी में मैं यहाँ आया हूँ और आप देख भी रहे हैं कि इस बार फसल जो है अच्छी है, जैसा किसान भी बता रहे हैं पैदावार अच्छी हुई है क्योंकि बारिश इस बार बढ़िया हुई थी। तो जो आंकड़ा आएगा और पूरे ज़िले भर में भी विभिन्न पदाधिकारी जा करके फसल कटनी से संबंधित आंकड़ों को संग्रहित कर रहे हैं, तो उन डेटा को हम लोग विभाग से शेयर करेंगे और उसके हिसाब से जो भी किसानों के बेहतरी के लिए और भी जो नीतियाँ बनानी होंगी और जो कुछ उपाय करने होंगे उस दिशा में कृषि विभाग हो या सहकारिता विभाग हो वो काम करेगा। आप लोग सब लोग अवगत हैं कि फसल सहायता योजना है, उसमें इस आंकड़े का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर प्रोडक्टिविटी 1% से ज़्यादा भी घटती है तो किसान फसल सहायता योजना का लाभ ले सकते हैं, सहकारिता विभाग द्वारा संचालित है और उसमें पर हेक्टेयर किसानों को अनुदान निर्धारित है, उस हिसाब से किसान को सीधा डायरेक्टली उनके खाते में ट्रांसफ़र भी किया जाता है। तो उन सभी स्कीम्स को लागू करने में ये जो उत्पादकता है और जो उत्पादन हुआ है पूरे ज़िले भर में विभिन्न पंचायतों में उनकी एंट्री होगी और उसके हिसाब से फिर आगे जो है डिसीजन होगा। धान से बाहर आइए, इससे बाहर आइए, लाइनिंग दिया हुआ, इससे बाहर आइए। कटने वाला आइए ना, शुरू कर दीजिए काटना। पापा यहीं से काटो। आवाज आई कि था ना? हाइट ले ली, हाइट।